भाई को भाई से लड़ाओ, चुनाव जीतो। बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि एक चुनाव लड़ने का मशीन रहेगा। अब उसको हर चीज जो है कब्जाना है। किसी भी राज्य में अगर किसी का बहुमत भी आता है तो उस सरकार को कैसे गिराना है, तोड़-फोड़ करना है, इस अड्डे में वो लोग लगे हुए। बिहार में क्या हुआ चुनाव में, ये आप सब लोग जानते हैं। बल्कि हम तो खगड़िया की महान जनता को धन्यवाद देंगे कि इस बार का रिजल्ट जो आया है बहुत ही बेहतरीन है। एक आज जो सीट है प्रवक्ता वाला, उसको तो बेमानी से हरा दिया। तो बेमानी तो हुआ, जनता ने जनादेश किसी को दिया, चुनाव आयोग ने घोषणा किसी और तक, यही बात थी। और आप लोग तो मजबूती से, चाहे कोई समाज के हो, कोई धर्म के हो, कोई जाति के हो, कोई वर्ग के हो, इस बार सभी लोगों ने मिलकर के जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का काम। हम लोग चुनाव में गए थे किन मुद्दों को लेकर के, आप सब लोगों से को पता होगा। कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आज पढ़ाई चौपट है, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा, लोगों की कमाई बंद है। सिंचाई की क्या व्यवस्था, अभी तो आपको देखिएगा कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा, यूरिया वगैरह ढूंढते चले जाइए, लोग लाइन में लगा हुआ। अब क्या महंगाई है, न सिंचाई की व्यवस्था, न कमाई हो पा रहा है लोगों का, न नौकरी लग रहा है, अस्पताल में ना दवाई मिल रहा है, ना स्कूल में शिक्षा मिल रहा है। शिक्षक लोग भी बदतरद घूम रहे, अपने अधिकार अपने लड़ रहे। अदा सरकार सुनवाई करती है ना कार्रवाई करती है। हम लोग इन मुद्दों के साथ चुनाव में गए थे कि हम लोग जो है कम से कम 10 लाख लोगों को, नौजवानों को जो है सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम। लेकिन आप देखिए यही सरकार के लोग कहते हैं कि हम 19 लाख देंगे। और बड़ा दुख होता है कि चोर दरवाजे से आई हुई सरकार, बेईमान सरकार, एक साल के अंदर जो है बिहार के लगभग 15 लाख लोगों ने अपने रोजगार को खोने का काम किया। यह आंकड़ा है, यही लोग कहते थे ना कि अब की बार महंगाई पर वार, महंगाई को खत्म करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर, किसान जो है पूरे देश भर का आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसको ना कोई सुनने वाला है, ना उसकी कोई तकलीफ को दूर कर रहा है। किसान कह रहा है कि हम खुद कर लेंगे अपना भला, लेकिन ये केंद्र सरकार पता नहीं कौन सा भला करना चाहता है, जबरदस्ती थोपना चाहता है। जो कृषि बिल है, तीनों काला कानून जो है, उसके खिलाफ में लगातार किसान जो है आंदोलन कर, लेकिन कोई उसका सुनवाई और सूद लेने वाला लोग नहीं। तो आज आप सब लोगों के बीच है, बिहार में चोर दरवाजे से सरकार आई, बेईमानी से आई। खगड़िया का प्रवक्ता के साथ साथ लगभग ऐसा 15 से 20 सीट है जो हम लोगों को जबरदस्ती 5 बजे शाम के बाद हराया गया। सरकार तो गरीब की और जनता की बनी गई थी, लेकिन बेईमानी से ये लोग आए।